सागर में देवरी कला के ग्रामीण कई सालों से ना तो होली जलाते हैं और ना ही एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ग्रामीणों ने इसके पीछे का कारण बताया है कि उनके गांव में झारखंडन माता का मंदिर है। यदि वो होली मनाते हैं तो माता इससे नाराज हो जाती है और पूरे गांव पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जहां होली का त्योहार रंगों और गुलाल के साथ संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, वहीं देवरी गांव होली के दिन बेरंग रहता है। इस गांव के ग्रामीण ना तो होली जलाते हैं और ना ही गुलाल लगाते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर वो होली मनाते हैं तो उनके गांव में विराजी देवी नाराज हो जाती है। देवी किसी से रुष्ट ना हो, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, इसलिए ग्रामीण कई सालों से यहाँ पर होली नहीं जलाते हैं। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। ग्रामीण बताते हैं कि एक बार गांव के ही लोगों ने परंपरा को तोड़कर होली जलाने का प्रयास किया था, लेकिन पूरे गांव में इसके बाद आग लग गई थी और सब कुछ जलने लगा था। ग्रामीणों ने माता के दर पर जाकर प्रार्थना की और आगे से ऐसा ना करने का संकल्प लिया, जिसके बाद आग बुझ गई। तब से ग्रामीणों ने कभी होली जलाने का प्रयास नहीं किया और ना ही इसके बाद कभी इस प्रकार की कोई आपदा गांव में आई है। आपको बता दें, झारखंडन माता की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। लाखों श्रद्धालु नवरात्रि पर उनके दर्शन के लिए आते हैं। कारण यही, झारखंडन माता यहाँ गांव बस्ती की रक्षा करती है। और कछु पहले बहुत साल जो कई पेड़ी निकल चुकी हैं, जब जलाई होगी होली, तो होली जलाई तो गांव में आग लग गई। वहाँ से जो सियाने हैं वे दौड़ के आए तो देखी तो हर ज्यों के त्यों खड़े थे। होली मने आग नहीं लगी थी और देखने में लग रही थी कि पूरी बस्ती में आग लगी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।